देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के रेवती गांव स्थित एक मनुक्का कारखाने पर जिला प्रशासन के आयुष विभाग और आबकारी विभाग ने दबिश दी थी, जहां से विभाग को बड़ी मात्रा में अवैध रूप से बनाई जा रही मनुक्का की गोलियां बरामद हुई थी। पूरे मामले में गोडाउन संचालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहाँ के रेवती रेंज स्थित एक गोडाउन में सूचना के आधार पर जिला प्रशासन की आबकारी और आयुष विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की थी, जहां से टीम को बड़ी मात्रा में मनुक्का की गोलियां अवैध रूप से बनाना पाया गया। गोडाउन संचालक पंकज वैष्णव ने के पास इसी तरह का लाइसेंस भी नहीं था। वहीं अवैध रूप से भांग और गुड़ का मिश्रण कर गोलियां बनाई जा रही थी, वहीं अन्य ब्रांड की मनुक्का की गोलियां बनाया पाया गया। गोडाउन संचालक पंकज वैष्णव के खिलाफ धोखाधड़ी और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये कल थाना बाणगंगा में एक 420 IPC के अंतर्गत एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। प्रकरण मुख्यतः ये है कि कल आयुष विभाग और आबकारी विभाग की टीम के द्वारा रेवती रेंज में एक गोदाउन में दबिश दी गई थी और सूचना ये थी कि वहाँ पे अवैध रूप से भांग मिश्रित मनक्का बनाया जा रहा है और सूचना पर टीम द्वारा वहाँ पे दबिश दी गई और दबिश में वहाँ पंकज वैष्णव नामक जो व्यक्ति था वो अपने गोडाउन में भांग और गुड़ से मिला के मनक्का बना रहा था, जो नशे में और आयुर्वेदिक औषधि के रूप में दवाई प्रयोग की जाती है। और ये जो मुनक्का बना रहा था ये अमानक स्तर का और बिना लाइसेंस के बना रहा था, और उसमें वो अलग अलग दो तीन ब्रांड की पैकेजिंग भी के नाम से पैकेजिंग भी कर रहा था। तो ये बिना लाइसेंस के बनाने पर ये उसके आरोपी जो पंकज वैष्णव है उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया आबकारी विभाग के द्वारा, और उससे करीब 86,000 मुनक्के की जो गोलियाँ हैं वो जब्त की गई हैं। और उसके बाद में उसके द्वारा जो अमानक स्तर पर जो मुनक्का बनाया जा रहा था, साथ में बिना लाइसेंस साथ में अन्य ब्रांड के भी मुनक्के बनाए जा रहे थे और उनके साथ में इस तरीके से जो धोखाधड़ी उसके द्वारा की जा रही थी, उस पर से थाना बाणगंगा पर उनके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। तो थाना बाणगंगा पर आरोपी पंकज वैष्णव के खिलाफ धारा 420 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इसमें जांच की जा रही है कि ये इसके साथ में और कौन कौन व्यक्ति शामिल रहे हैं और जिन ब्रांड्स के मुनक्के बना रहा था वो ब्रांड्स भी इसमें शामिल है या नहीं है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल